ये आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसमें अभी तक ऑयल मसाले कुछ भी नहीं डाले, सिर्फ मैंने ये जो पालक ग्रेन की थी, देखिए ग्रेन पालक बहुत अच्छे से हो जाती है। कुछ लोग इसको मतलब के पकाते पकाते कूट के इस तरह बना लेते, लेकिन मुझे ग्रेन करने वाली ज़्यादा आसानी लगती है। देखें कितने अच्छे से हमारे जो पालक थी वो ग्रेन हुई हुई है। साथ में इसमें मैंने जो 3 टमाटर कट करके डाले हैं, बस इसी का मैं जो पालक का पानी इसी को मैंने ड्राई किया। आप देख सकते हैं बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, उसका जो पानी है काफ़ी हद तक खुश्क भी हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ऑयल। ये आप देख सकते हैं मैंने ऑयल डाल दिया, इसके बबल बनना स्टार्ट हो गए हमारी। जब तक पालक अच्छे से इसकी मैं बुनाई करूँगी, क्योंकि गोश्त ऑलरेडी मेरा बॉयल है, उस पर तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा। बस पालक को अच्छे से मैं भून लूँगी, साथ ही मैं मसाले भी ऐड कर लूँगी। ये मेरे पास थोड़ा सा मिक्स जो मेरे पास मसाला होता है, साथ में नमक है और लाल मिर्च है। मसाले में जैसे कि आपको पता है कि मैं मसाले कम ही यूज़ करती हूँ, इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। बस ये जो बबल्स हैं इस तरह, इससे ज़रा बचिएगा, क्योंकि जब भी खाना बनाएं तो अपना ख्याल पहले रखा करें, ये हाथों पे भी लग सकता है। अब इसको मैं हल्का सा कवर करूँगी ताकि इसका जो ऑयल है और जो बबल से बैठ ना है, ये इस तरह फुल कवर नहीं करूँगी ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। देख सकते हैं मैंने इस पालक की अच्छे से बुनाई कर ली और इसको ऑयल अच्छे से अलग भी हो गए और जो हमारी पालक है वो अच्छे से तैयार भी हो गई है। ये जो थोड़ी सी पकने में रहेगी वो गोश्त में पक जाएगी। मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे इसका पानी भी खुश कर दिया, साथ में इसको अच्छे से पका भी दिया है। अब इसमें ऐड कर दूंगी ये गोश्त। ये आज मैंने लिया है बकरे का गोश्त, आप देख सकते हैं मैंने गोश्त को भी ज़्यादा मैरिनेट नहीं किया, क्योंकि इसको मैं पालक में भी भूनूंगी तो वो जो हमारी बोटी है वो नरम ना हो, टूट ना जाए। और आपको पता है जो बाकरा गोश्त होता है तो वो जल्दी मतलब कि नरम हो जाता है। अब इसकी मैं अच्छे से बुनाई कर लूँगी गोश्त के साथ। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अच्छे से बुनाई कर ली है गोश्त के साथ। माशा अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे से मेरा पालक और गोश्त बन के तैयार हो गया। मैं रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। बस बिज़ी रूटीन के साथ रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर सकती, लेकिन जब भी एक दो दिन बाद करूँ तो लाजमी मेरी वीडियोज़ देखा करें
मुझे व्यूज़ दिया करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सबकी बहुत हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मेरा चैनल आगे ग्रो कर सके। आपको पता है इतनी मुश्किल से वीडियो बनाई जाती है, इसको तैयार किया जाता है, और साथ में आपको पता है एक माँ के लिए और हाउसवाइफ के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे डेली मेरी वीडियोस देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह मुझे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा और सपोर्ट दीजिएगा ताकि मेरा चैनल अच्छे से ग्रो हो सके। अब साथ ही मैं इसमें ये हरा धनिया ऐड कर दूँगी। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं इसको कट कट के फ्रीज कर देती हूँ, जिससे मेरी आसानी रहती है। अब ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, पक के तैयार हो जाए। चाहे कोई भी साग हो, पालक हो या कोई भी साग हो, उसमें धनिया हम बीच में ज़्यादा ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ऊपर जो होता है उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो भी आप साग बनाएं या पालक वगैरह बनाएं तो बीच में ये ऐड किया करें। लेकिन सब मिर्चें जो हैं मैं उसके ऊपर डालूँगी जब ये तैयार हो जाएगा, वो बीच में नहीं डालती, क्योंकि मिर्च होती है तो वो बीच में मतलब के ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से वो मैं उसको ऊपर ही डालूँगी जब ये मेरा खाना तैयार हो जाएगा। अब इसको मैं दम पे लगा दूँगी और इसकी फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। Oh, oh, oh.